बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। सरकार द्वारा अपात्र अभ्यर्थियों के राशन कार्ड से नाम हटाने की कवायद अब तेज हो गई है। एक अनुमान के अनुसार पूर्णिया जिले में करीब 40% ऐसे लोग हैं जो इस राशन कार्ड के योग्य नहीं हैं। ऐसे में सरकार ने 31 मई तक सभी अपात्र लोगों को कार्ड सिलेंडर करने का निर्देश दिया है। अब तक 26,000 लोगों का कार्ड बंद किया गया है। पूर्णिया में भी बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी पेशा से लेकर कार और बड़े बड़े मकान वाले ऐसे लोग हैं जिसका राशन कार्ड बना हुआ है। लोगों की माने तो ऐसे 40% लोग हैं जो गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। वहीं फेयर प्राइस डीलर संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि ऐसे लोग कार्ड सिलेंडर कर रहे हैं। लोग सरकार के इस निर्णय से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्ड लाभार्थी उमेश चंद झा की माने तो सरकार की इस पहल से जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का पहल स्वागत योग्य है। सरकार ने गरीबों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की है, जबकि कई अमीर लोग भी राशन कार्ड पर सरकारी अनाज उठा रहे हैं, वहीं गरीब इस योजना से वंचित है। मजदूर है, लकड़ी तकड़ी काटते हैं, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएंगे? अनाज मिलता था वो भी कट लिया, मेरा नाम काट दिया। कौन चीज से? कार्ड से। अब जो सरकार का नया फैसला है कि राशन कार्ड से जो अमीर आदमी है उसका नाम कटेगा, तो अब आपका नाम तो जुड़ जाएगा जी। बताइए पूरी बात। ये हमको उतना नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम। समर्थन में अपना राशन कार्ड जमा करने के लिए लोग को पता चला है, कुछ लोग जा भी रहे हैं नगर निगम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कार्यालय में जमा करने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे गरीब जनता है जिनका आज के भी डेट में राशन कार्ड नहीं बना, उसका बनना चाहिए। और जहाँ तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की बात है, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कहाँ से पता लगेगा कि कौन आदमी का मृत्यु हो गया, कौन आदमी यहाँ से बाहर चला गया, इसकी जानकारी तो उसको नहीं होगी। इसलिए कि थंप लगा करके सामान उठाता है, कोई भी कहीं से उठा सकता है। और बहुत ऐसे आदमी हैं जिनका सैलरी 1.5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, उनका भी राशन कार्ड बना हुआ है, वो भी आते हैं सामान उठा के ले जाते हैं। सरकार के फैसले से कैसा लग रहा है? मतलब सरकार का फैसला तो सही है, और यहाँ प्रशासन जिला सप्लाई पदाधिकारी लोगों का भी कार्रवाई हो रहा है, ये सब गरीब जनता को फायदा दिला। कहना है जो अमीर आदमी को अभी राशन कार्ड है और वो सामान उठा रहे हैं, वो गरीब आदमी को मिलना चाहिए। और बहुत गरीब आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, वो भूख से मर रहा है, रोड पर घूम रहा है, स्थिति नाजुक है देश का, उनको राशन कार्ड बनवा करके राशन कार्ड दीजिए। जो बड़ा आदमी है उनको तो बड़ा ही है, उनको क्या जरूरत है देने का? सरकार गरीब आदमी को दे रहा है, सरकार गरीब आदमी के लिए सोच रहा है। सरकार के फैसले से खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हैं, यही होना चाहिए। सरकार यही ना सोच रहे हैं कि गरीब आदमी को राशन हो, गरीब आदमी को राशन कार्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो लोग को खुद सामने आगे आना चाहिए कि अपना राशन कार्ड सिलेंडर करवा दें। किसको कहेगा? गरीब आदमी का औकात क्या है? वो किसको कहेगा कि हमको रोड पर हल्ला करने से थोड़े हो जाएगा? तो आप सर्वे कीजिए, देख लीजिए कितना गरीब आपका अभी मर रहा है। लोगों में जागृति आनी चाहिए कि भाई आप खुद जाके सिलेंडर कर दें। एकदम करना चाहिए, नीति वही उचित वही है। अरे आप सक्षम हैं तो राशन कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये आपके औकात के बाहर बात है। गरीब को खुद ही आप सिलेंडर कर दीजिए, सब गरीब को, उतना ही में उस राशन कार्ड से मेकअप हो जाएगा जितना अमीर आदमी अभी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है पंडित उमेश चंद्र झा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस न्यूज़। धन्यवाद।